हेलो एवरीवन, और आज हम द वाइब्स में आपको एक ऐसी जगह घुमाने लेकर जा रहे हैं जहां पर घूमने के बाद एक्चुअली में आपको नहीं लगेगा कि आप इंडिया में घूम रहे हैं। एक ऐसा मॉल है जो पूरी तरीके से ओपन है, अलग अलग स्ट्रीट्स हैं यहां पर, और स्ट्रीट्स भी ऐसी हैं जहां पर खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे कैफेज हैं। और ये जो मॉल है ये NCR के फरीदाबाद में, और फरीदाबाद एक ऐसी जगह है जिसको बेसिकली इंडस्ट्रियल टाउन कहा जाता है, बट एक्चुअली में अब यहाँ पर इस मॉल के आने से बहुत सारी शूटिंग्स होने लगी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने आने लगे हैं। तो ये मॉल कौन सा है? ये मॉल है ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट मॉल। और वर्ल्ड स्ट्रीट नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो लेन्स हैं ना, जो स्ट्रीट्स बनाई हुई हैं, वो वर्ल्ड की मशहूर जगह से जुड़ी हुई हैं। जैसे कोई दुबई से जुड़ी हुई है, उसका लुक आपको दुबई जैसा लिखेगा, कोई एम्स्टरडैम स्ट्रीट है, कोई हांगकांग स्ट्रीट है। इसके बारे में अभी डिटेल में आपको दिखाते हैं। और ये हमारे साथ आज हमारे कैमरामैन साहब है जो अक्सर द वाइब्स में कैमरा जो है हैंडल करते हैं, तो मुझे लगा कि आज आपको इनसे भी मिलवाना चाहिए, रविंदर शर्मा उर्फ लक्की जी। तो चलिए ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट मॉल की सैर पर चलते हैं एक साथ। ये एक ऐसा मॉल है जो अपने आप में बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, खास तौर पर से तब जब लोग पिछले काफी टाइम से ज्यादा घूमने फिरने नहीं निकले हैं। ग्रेटर फरीदाबाद जहां पर बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बहुत सारे अच्छी बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, नए नए मकान बन रहे हैं, नए नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, वहीं पर बीचों बीच इस मॉल का आना अपने आप में लोगों को अट्रैक्ट करता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस मॉल में सिर्फ फरीदाबाद के लोग आ रहे हैं, बल्कि इस मॉल में दिल्ली NCR के अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और सारा दिन स्पेंड करते हैं यहाँ पर। हम लोगों को आना अच्छा लगता है, फैमिली के साथ हम लोग आते हैं, एवरी वीकेंड हम लोग यहाँ आते हैं, प्लान करते हैं, बिकॉज यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, ओपन में बैठने का स्पेस अच्छा है, काफ़ी अच्छी लुक बना रखी है, बच्चों को बहुत मजा आता है, एवरी वीकेंड हम लोग यहाँ प्लान करते हैं आने का। जैसे जैसे आप इस ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में जाते जाएंगे, आप रियलाइज करेंगे कि यहाँ की हर एक स्ट्रीट आपको दुनिया की किसी अलग कंट्री की स्ट्रीट से मैच करती हुई दिखाई देगी, और इसीलिए यहाँ की स्ट्रीट के नाम भी इनके आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। इस मॉल की सबसे ज्यादा आरामदायक बात ये है कि यहाँ पर पार्किंग बहुत ज्यादा मिल जाती है, चाहे आप मॉल की साइड्स में पार्क करें, फ्रंट एरिया में पार्क करें, या फिर बैक एरिया में पार्क करें, यहाँ पर आपको पार्किंग की काफी स्पेस मिल जाएगी। बेसमेंट पार्किंग वाला फंडा अभी यहाँ पर नहीं शुरू हुआ है, लेकिन हाँ, पार्किंग के लिए आपको कोई चार्जेस भी नहीं देने हैं। वर्ल्ड स्ट्रीट में आपको शॉपिंग के ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ब्रांडेड क्लोथिंग रेंज, टॉयज, गिफ्ट, एक्सेसरीज, ग्रोसरीज, फन एंड गेमिंग, यानी सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको एक छत के नीचे सब कुछ मिलेगा, आपको अलग अलग स्ट्रीट्स में सब कुछ मिल जाएगा। यानी थोड़ी देर शॉपिंग कीजिए, फिर थोड़ी देर गेमिंग कीजिए, फिर उसके बाद खाना पीना शुरू कीजिए, सब कुछ अलग अलग स्ट्रीट्स में। वैसे तो हर मॉल में जब हम घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स होते हैं या हमें सेल्फी लेने का मौका मिलता है, बट इस मॉल की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर अलग अलग स्ट्रीट्स हैं। स्ट्रीट्स में आपको बहुत जगह ऐसी पेंटिंग्स दिख जाएगी, कुछ बैकड्रॉप्स ऐसे दिख जाएंगे जहाँ पर आपको एक्चुअली में मज़ा आएगा फोटोग्राफ्स खिंचवाने में, और अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल पिक्चर्स आपको यहाँ बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो जैसे आप मेरे बैक पर देखते हैं, बिल्कुल मेरे पीछे, कि किस तरीके की पेंटिंग की गई है, तो ये यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा लुक है जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं। और अभी तो ये खाली है क्योंकि थोड़ी रात हो चुकी है, लेकिन जनरली यहाँ पर काफ़ी रश रहता है क्योंकि ये बहुत अलग सा लुक है। शॉपिंग करते करते थक गए हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी स्ट्रीट्स ऐसी मिलेंगी जहाँ पर ढेर सारे कैफेज हैं, पब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फाइन डाइनिंग के ऑप्शन हैं। यानी आप अगर अकेले आए हैं तो भी यहाँ पर बोर नहीं होंगे, और अगर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आए हैं तो बोर होने का सवाल ही नहीं उठता है। खाने पीने के साथ साथ आपको यहाँ पर बुक्स और स्टेशनरी के भी बहुत सारे स्टोर्स मिल जाएंगे। ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट का एक एरियल व्यू है जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इस एरियल व्यू से आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि ये मॉल दूर से कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लगता है। और इसकी ब्यूटिफिकेशन इसका आर्किटेक्चर ही है जो बड़े बड़े स्टार्स को अट्रैक्ट करता है यहाँ पर शूटिंग करने के लिए। बहुत सारे गानों और एल्बम्स की शूटिंग अक्सर यहाँ पर होती रहती है, नॉर्मली इसी मॉल से एकदम अलग, एकदम हटके। सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में जहाँ न्यू नॉर्म्स आ गए हैं, वहाँ पर एक ओपन मॉल वर्ल्ड स्ट्रीट की तरह बना होना हमारे लिए एक अलग डेस्टिनेशन है जिसके लिए हमें
कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके अपने शहर फरीदाबाद में ये आपके घर के पास है। दिल्ली NCR के बहुत सारे लोग शॉपिंग करने अलग अलग जगहों पर जाते हैं, अलग अलग मॉल्स में जाते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअली में कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं और थोड़ा सा टाइम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना चाहते हैं थोड़ी सी अलग जगह में, तो आप यहाँ पर आइए, सेल्फीज क्लिक कीजिए, पिक्चर्स क्लिक कीजिए, अच्छा खाना खाइए, थोड़ी सी शॉपिंग कीजिए और फिर अपने घर को लौट जाइए। यानी ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट आपके लिए है एकदम फन फिल्ड डेस्टिनेशन। सैर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल द वाइब्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक और सजेशन आप दे सकते हैं कि और दिल्ली NCR में द वाइब्स के जरिए आप कहाँ कहाँ और घूमना चाहते हैं ये हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय।